हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। जब भी हम लोग इस तरह से जैसे 2x प्लस वन इस तरह से कोई एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, जिस स्टेटमेंट में नंबर्स भी यूज हुए हैं और साथ साथ अल्फाबेट्स भी यूज हुए हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं उसको? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और जैसे ही इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के इक्वल टू कुछ लिख दें, इज इक्वल टू जीरो या टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ भी अगर हम लिख देते हैं, तो आप देखिए कि अब इस स्टेटमेंट के साथ यहां पर एक इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, यानी कि अब ये बता रहा है इज इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है वो इज इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी लिखा है उसके इक्वल है। यानी कि इज इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में जो जो चीजें लिखी है वो आपस में इक्वल हैं, आपस में बराबर है। इसी इक्वल है ना, इसी इक्वल वर्ड से बन गया टर्म इक्वेशन। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं इक्वेशंस, जिसमें इज इक्वल टू आता है। इस इज इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम कहते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और इस इज इक्वल टू के साइन के दाहिनी तरफ जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ये तो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कई तरह के होते हैं। उस कई तरह के इक्वेशन पर हम जाने से पहले अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल आया है, यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी अल्फाबेट यूज होता है ए से लेकर के जेड तक, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ज्यादातर वेरिएबल के रूप में एक्स वाई और जेड का यूज किया जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा यूज एक्स का किया जाता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि इस वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट है 2। और जिस नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा रहता, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं लगा रहता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब यहां पर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में नहीं है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर है वो कोई एक फ्रैक्शन नहीं है, या फिर जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल अंडर डिनोमिनेटर नहीं आया है, डिनोमिनेटर में नहीं आया है, ये सारी शर्तें जहां पूरी होती है उसी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको मैं समझाया था, ये चीज भी मैं समझाया था
कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है तो उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है यानी कि उस माइवे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता है तब ऐसे ही पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री टू होती है यानी कि आई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल में डिग्री थ्री होती है डिग्री इज इक्वल टू थ्री यानी कि आई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर थ्री होता है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बेस में बता चुका हूं पॉलिनोमियल के जब हम लोग सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तब। अब है कि इसी लीनियर पॉलिनोमियल को जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है इसी लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेशन में हम बदल दें यानी कि यहां पर कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखें और इज इक्वल टू डाल करके फिर कुछ लिखें, है ना। तो ये लिनियर पॉलिनोमियल किसमें बदल गया, एक इक्वेशन में बदल गया। और इसी लिनियर पॉलिनोमियल को जो इक्वेशन में बदला है उसको हम लोग कहते हैं लिनियर पॉलिनोमियल। वहीं अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्या होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता और वहां इज इक्वल टू का साइन डाल के आगे फिर कुछ लिखते तो यह भी एक इक्वेशन में बदल जाता, यह भी एक इक्वेशन बन जाता और फिर इसे हम लोग कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर है इसी क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड ऑन है यानी कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वो चैप्टर बेस्ड है। इसी तरह से अगर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको इज इक्वल टू का साइन डाल के यहां कुछ लिख देते तो यह भी एक इक्वेशन का रूप ले लेता और फिर इसको हम लोग बोलते क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहती। तो फिलहाल जो हमारे सामने चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन पर, लीनियर इक्वेशन पर ये चैप्टर है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के इस में इज इक्वल टू का साइन डाल कर और यहाँ कुछ लिखा गया है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में बदल चुका है। अगर इस लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 2x+3 इज इक्वल टू 0 लिखा या फिर 3y-9 इज इक्वल टू 11 लिखा, यह भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है तो लीनियर ही है क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है उसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 ही है इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। और इस लीनियर पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू का साइन डाल के यहां पर हमने 0 लिखा तो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में बदल गया, तो यह लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यह भी लीनियर इक्वेशन हो गया बट इस लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, यहां पर एक ही वेरिएबल है x और इस वाले लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है
वाई, यानी कि ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़े हैं। अभी जो हमारे सामने जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर यानी कि लीनियर इक्वेशन ही लेंगे लेकिन उसमें दो वेरिएबल ऐसे आएंगे, एक एक्स और दूसरा वाई जनरली, या यू वी या फिर वाई जेड, है ना। तो कोई भी दो वेरिएबल उसमें यूज होंगे उस तरह के लीनियर इक्वेशन में। अब जब इस तरह के लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे तो उस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, चाहे इस फॉर्मेट में लिखा हो चाहे इस फॉर्मेट में लिखा हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो लिखा हो या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखा हो, ये दोनों ही फॉर्मेट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हैं। ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आया है उसका हाईएस्ट पावर वन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स है, इसका हाईएस्ट पावर वन है, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल वाई है और इसका भी हाईएस्ट पावर वन है, इसलिए एक्स की भी डिग्री वन है वाई की भी डिग्री वन है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। जब डिग्री वन होती है जिस इक्वेशन में तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है, यह भी लीनियर इक्वेशन ही है। यहाँ भी वही बात है कि दोनों ही वेरिएबल्स के जो हाईएस्ट पावर हैं वो वन है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री वन है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है। पर टू वेरिएबल में भी है, यहाँ भी दो वेरिएबल यूज हुए, एक एक्स और एक वाई, यहाँ भी दो वेरिएबल यूज हुए, एक एक्स है और एक वाई है, इसलिए ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यही हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट आपको हमेशा के लिए याद करके रखना है कि यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होता है। इन दोनों ही फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट माना जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन सबसे ज्यादा यूज में हमको देखने के लिए मिलता है ये वाला फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसीलिए ये दोनों ही फॉर्मेट्स की जानकारी हमको रहनी चाहिए। अब है चैप्टर का जो पूरा नाम था, वो पूरा नाम क्या था इस चैप्टर का, चैप्टर का पूरा नाम था लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम जब भी इस चैप्टर में बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लेंगे, वो भी पेयर में। दो का एक पेयर होता है, दो का एक पेयर होता है, यानी कि हम दो इक्वेशंस एक साथ लेंगे तभी वो बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और जब इसको पेयर अप में हम लेंगे तब उसके फॉर्मेट्स ऐसे होंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, और या फिर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर है ना पेयर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसलिए हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
ये भी होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और यही हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही चैप्टर है। अब ये जनरल फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, इसी जनरल फॉर्मेट पर हमको काम करना है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम किस किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर दो वेज हैं। पहला जो वे है उसको हम कहते हैं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि जब भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यही फॉर्मेट लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरा जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ज्योमेट्रिक बोलिए या ग्राफिकल बोलिए, दोनों का अर्थ सेम ही है। यानी कि यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो है ग्राफ पेपर, ये हमारा ग्राफ पेपर। इसी तरह के ग्राफ पेपर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पहले इस रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड ऑन हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके आगे इस चैप्टर के आगे की कहानी पर विचार करेंगे कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व आउट करते हैं और भी जो भी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं, इसके साथ ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उस पर विचार हम लोग आगे करेंगे। पहले ये वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो इस बेसिस पर यहां पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल टू। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 pencils and 3 erasers फॉर ₹9। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर गई और 2 pencils and 3 erasers खरीदी ₹9 में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 pencils and 6 erasers ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। उसकी जो सहेली थी सोनाली, उसने रोमिला के पास देखा नए वैरायटी के पेंसिल्स हैं, नए वैरायटी के इरेजर्स हैं, इसलिए वो भी खरीदना चाहिए और वो भी जाकर के 4 pencils and 6 erasers खरीद ले ₹18 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्राइकली भी और ग्राफिकली भी, यानी कि अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन भी देना है हमें और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस देना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको दोनों ही फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस में।
एग्जाम्पल टू, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थ्री, एम आई राइट? ओके, देन लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज इक्वल टू रुपीज वाई। हमने मान लिया एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपये है और एक इरेजर की कीमत वाई रुपये है। देयरफोर इसलिए ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू का फुल फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है? रोमिला दो पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपये है तो दो पेंसिल की कीमत टू एक्स हो जाएगी, और वो तीन इरेजर खरीदी, एक इरेजर की कीमत वाई रुपये है तो तीन इरेजर की कीमत तीन वाई हो गई, और ये दोनों मिल करके हो गए नौ रुपये। यही हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो इक्वेशन नंबर वन हो गया। फिर है अब उसकी फ्रेंड सोनाली चार पेंसिल खरीदती, एक पेंसिल एक्स रुपये की तो चार पेंसिल चार एक्स रुपये की होगी ना प्लस, और छह इरेजर खरीदी, एक इरेजर एक्स वाई रुपये का तो छह इरेजर छह वाई रुपये का होगा, और ये दोनों मिलकर के उसने दिए था अट्ठारह रुपये। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया लिनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, और यही हमारा एक आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब आप जरा पहचान कर बताइए हमने कौन सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया। यहां पर हमने ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया। इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। आप कंफ्यूज ना हो कि यहां पर लिखा है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और यहां पर टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एटीन इस फॉर्मेट पर नहीं है, है। यहां जरा आप ऊपर यहां पर आप ध्यान दीजिए ना, यहां पर क्या बताया था, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें या फिर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बात तो बराबर ही है। तो हमने यहाँ पर इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, इस वाले फॉर्मेट में हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन बोला था ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कि अब इसका ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन को पहले हम कैरी आउट करते हैं। चलिए पहले हम इक्वेशन वन को कैरी आउट करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में ई क्यू एन डॉट इक्वेशन फर्स्ट, ये है 2x plus 3y is equal to 9. This implies that, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब एक इक्वेशन को हम लोग कैरी करते हैं और इक्वेशन में तो ऑलरेडी इज इक्वल टू का साइन रहता है, इसलिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल करके आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट का साइन डालते हैं। ये जो साइन मैंने बनाया है यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डालकर कैसे एरो मार्क लगा दिया, इसको हम लोग कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इसकी हिंदी हुई इसका अर्थ है कि, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब क्या करेंगे हम, इसमें से दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट में छोड़ेंगे और बाकी हर चीज को इज इक्वल टू के राइट में भगा देंगे। तो मानिए हम यहां पर थ्री वाई को रख लेते हैं इज इक्वल टू, राइट हैंड में पहले से नाइन है, जो पहले से वही पहले हम लिखेंगे,
और लेफ्ट में जो 2x था 3y के साथ प्लस में था, या यू कह कि यहां पर कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था, तो वो अब राइट हैंड आकर के क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 2x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, अब हमको, मैं क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इज इक्वल टू लेफ्ट में सिर्फ हमको कोई एक वेरिएबल छोड़ना है, बाकी हर चीज को राइट हैंड भगा देना है। तो इसमें से केवल एक वेरिएबल y को हम यहां पर रख लेंगे, बाकी तो भगाएंगे इधर। तो पहले से इधर क्या है, 9 माइनस 2x है, ये 3 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड कर तो गया अपॉन में आ जाएगा, यानी कि बन गया y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड में जो वेरिएबल है उसके लिए हम अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। हम जीरो ले सकते हैं, हम पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, हम निगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, अगर जरूरत हो तो हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, जरूरत हो तो हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक रियल नंबर हमको यहां पर ले लेना है राइट हैंड में जो वेरिएबल है, और कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अपने आप निकल करके आएगा। तो दिस, अब हमने क्या किया, यहां पर मान लेते x के लिए 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, है ना, y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू x की जगह क्या होगा, 0 अपॉन 3, 0 से 2 को मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 0, और 9 में से 0 माइनस करें कितना हो जाएगा 9, और 9 को इस 3 से डिवाइड कर दें कितना आंसर आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया ना। फॉर, अब एक और वैल्यू ले लेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए जब भी हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पर हर इक्वेशन के लिए एक लाइन आएगी, ग्राफ पर हर इक्वेशन के लिए एक लाइन आएगी, और कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं 2 पॉइंट्स को स्केल रख के मिला देते हैं हम लोग तो एक लाइन बन जाती है ना, तो यानी कि लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हमको मिल गया, दूसरा पॉइंट हमको निकालना है, यानी कि फिर अब हम राइट हैंड में जो वेरिएबल x है इसके लिए कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे। तो अब इसके लिए हम मान लीजिए x के लिए 3 ले लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 3, y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू x की जगह क्या आ गया 3, और अपॉन में पहले से 3 है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 3 टू जा 6 होता है, 9 में से आप 6 माइनस कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 3, और उस 3 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। देयरफॉर अब हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं x y। पहले जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया था 3, और फिर जब हमने x इज इक्वल टू यहां पर 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 1। एक पॉइंट हो गया 0 3, दूसरा पॉइंट हो गया 3 1। इसी तरह हम इक्वेशन 2 के लिए भी निकालेंगे, तो अब यहां पर फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पर कॉमा लगाया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहां भी वही काम करेंगे, किसी भी, यहां पर दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के लेफ्ट में छोड़ेंगे और बाकी हर चीज को इज इक्वल टू के राइट हैंड में भेज देंगे। तो हम जैसे इधर y लिया तो वैसे इसमें भी y वाला टर्म ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 6y को हमने इधर रखा, राइट में पहले से 18 है, ये 4x जो 6y के साथ प्लस में, इधर आकर के क्या हो गया माइनस हो गया,
दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x, ये 6y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड में जो वेरिएबल आया है उसके लिए हम अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू ले लेंगे। या फॉर x इज इक्वल टू 0, x हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू इस x की जगह हमने 0 रख दिया और अपॉन में 6 तो पहले से ही है ना। तो अब क्या हो गया, 0 इंटू 4 0, 18 में से 0 माइनस कर दें कितना आंसर बचेगा 18, उस 18 को इस 6 से डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 6 3 जा 18, यहां पर 3 आंसर आएगा। उसी तरह फॉर एक और पॉइंट, अभी बताया था कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब एक और कोई हम वैल्यू इसके लिए ले लेते हैं, कितना ले लें, चलिए 3 ले लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 इंटू 3, 18 माइनस 4 इंटू इसी x की जगह 3 अपॉन में ये वाला 6। एक बार फिर से कैलकुलेट करें क्या आ रहा है, 3 4 जा 12, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 6 अपॉन 6 कट करके 1 हो जाएगा ना, ये वैल्यू 1 आ गया। देयरफॉर फिर से अब हम लोग पॉइंट्स नोट डाउन करें, x y, जब यहां पर हमने x 0 लिया था तो y कितना आया 3 आया, फिर जब हमने x 3 लिया तो y कितना आया 1 आया, 0 3 3 1, ये दो पॉइंट्स निकल गए। इसमें भी सेम पॉइंट्स वही निकल लेते हैं, यानी कि दोनों इक्वेशंस के लिए सेम लाइन आनी है ना। अब आइए इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए स्केल और साथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। अभी मैं पेंसिल नहीं लेकर आया हूं क्योंकि पेंसिल से मैंने सोचा कि शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो कैमरे में, इसलिए पेन तो ज़्यादा बेटर तरीके से विजिबल होगा, इसलिए मैंने सोचा कि पेंसिल की जगह मैं पेन ही इस्तेमाल करूं ताकि आपको इजली विजिबल हो। बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इतनी भी शार्प नहीं कि उसकी नोक बार बार टूट जाए और ज़्यादा मोटी भी नहीं कि लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है, यानी कि इतना शार्प रखना कि लाइन पतली आए बट इजली इस जो उसकी नोक है पेंसिल की वो ना टूटे, उसी से प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम में आपको पेंसिल से ही बनाना है। चलिए अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे, ये हमने स्केल लिया और इस स्केल को आप ग्राफ पर देख सकते हैं कि ये वर्टिकली ये मोटी मोटी लाइंस खींची गई है ऊपर से नीचे की तरफ, वो आपको दिखाई दे रही होंगे, फिर उनके बीच में पतली पतली लाइंस भी खींची गई हैं, फिर ठीक उसी तरह ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मोटी मोटी खींची गई है वो आपको दिखाई दे रही होंगी, और दो कंजेक्यूटिव दो लगातार इन मोटी लाइंस के बीच में फिर पतली पतली लाइंस लिखी गई खींची गई होंगी, और ये सारे के सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल करके बीच बीच में खंड जैसे ब्लॉक ब्लॉक जैसे कुछ चीज़ें बना रहे होंगे। तो ये लुक होता है ग्राफ पेपर पर। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक मोटी लाइन पर कोशिश करते हैं हमेशा बीच में ही लेने के लिए, यहाँ यहाँ बिल्कुल ऐसे किनारे नहीं या बिल्कुल इस किनारे नहीं, लगभग बीच में लेने की कोशिश करते ताकि हम पॉइंट्स को माइनस और प्लस दोनों में रिप्रेजेंट कर सकें, और वो डिपेंड करता है कि जिन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है वो पॉइंट्स किस तरह से हमारे कैलकुलेशन में आए हुए हैं। फिलहाल अभी अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें पॉइंट्स आए थे 0 3 3 1, है ना, दोनों ही इक्वेशंस के लिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, चूंकि माइनस में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो हम यहीं पर ले लेते हैं। इस मोटी वाली लाइन के सहारे हमने स्केल को रखा और उस पर एक लाइन हमने खींच दी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको क्लियरली विजिबल होगी। इस पर नीचे की तरफ एक एरो मार्क लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी एक मार्क लगाएंगे।
फिर हम स्केल को अपने हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसी तरह यहाँ पर हम रख करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेंगे। पहले से जो ये मोटी लाइन खींची गई है उसी के सहारे हम रखेंगे बिल्कुल इस स्केल को, और फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे एक लाइन खींच लेंगे उसी के ऊपर अपनी पेंसिल से। मैं तो पेन से खींच रहा हूँ, आप पेंसिल से खींचेंगे जो कि क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हमने ये है एक्स एक्सिस, इधर हम लिखते हैं एक्स और इधर लिखते हैं एक्स डैश और ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, ऊपर लिखते हैं वाई और नीचे लिखते हैं वाई डैश। तो ये जो वाई वाई डैश है ये हमारा वाई एक्सिस है। ये दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और ओरिजिन को हम लोग कैपिटल लेटर ओ से लिखते हैं। साथ ही ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो जीरो वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर हम जीरो भी लिखेंगे। अब इस ओरिजिन के राइट हैंड जब हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी मोटे मोटे जो ब्लॉक्स बने मोटी मोटी जो लाइनें हैं उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हम इनको मार्क करेंगे और पॉइंट्स लेंगे सारे पॉजिटिव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक सुटेबल स्केल जहाँ यहाँ मैंने 1-1 यूनिट का डिफरेंस लिया है। जरूरत हो तो यहाँ पर हम 2-2 यूनिट्स का भी डिफरेंस लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखते हैं। 3-3 का भी हम डिफरेंस लेते हैं, 3, 6, 9, 12 ऐसे जाते हैं। 5 का डिफरेंस लेते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे जाते हैं। 10-10 का भी हम डिफरेंस लेते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन ऐसे लेते हैं। तो हमारे नीड के हिसाब से इन पॉइंट्स पे ये नंबरिंग हम लोग लेते हैं और इन नंबर्स को इस वाई एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ लिखते हैं न कि ऊपर की तरफ। इस ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स हैं वो माइनस में तो ये हो गया -1, -2, -3, -4। अब इस ओरिजिन से जब हम ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर तो सारे नंबर्स फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम। ध्यान रहे कि नंबर्स को इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग, राइट साइड में नहीं लिखते हैं, और एक्सिस पे दोनों तरफ एरो मार्क्स लगाने बहुत जरूरी होते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। फिर इसी वाई एक्सिस पर ओरिजिन के जब हम नीचे आते हैं तो नंबर्स हमारे माइनस में हो जाते हैं, -1, -2, -3 ये हो गया। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट था 0, 3 था, एक्स का वैल्यू 0 था, वाई का वैल्यू 3 था। मैं आपको एक बार फिर से वो दिखाऊं कैलकुलेशन, ये ध्यान से देखिए, यही हमारे पॉइंट्स है, एक्स 0 है, वाई 3 है। फिर अगला जो पॉइंट है एक्स 3 है और वाई 1 है, तो इसको हम बोलते हैं 0, 3 है। पहले एक्स का वैल्यू बोलते हैं फिर वाई का वैल्यू बोलते हैं, इसलिए 0, 3, 3, 1। सिमिलरली इधर भी 0, 3, 3, 1 यही पॉइंट्स आए हुए हैं, है ना। इन्हीं पॉइंट्स को हमें इधर प्लॉट करना अपने ग्राफ पर। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्या, 0, 3। पहला पॉइंट क्या हमारा 0, 3, यानी कि एक्स है 0 और वाई है 3, तो वाई एक्सिस पर ही क्या होता है एक्स 0 होता है। तो यहां पर ये वैल्यू आएगा 0, 3, यहां पर एक्स का वैल्यू 0 है और वाई 3 है, ये पॉइंट हो गया 0, 3। फिर दूसरा है 3, 1, एक्स 3 और वाई 1 यहां है। तो चलते इनके लिए एंट्री, 3 के लिए ये और 1 के लिए आते हैं, तो यहां पर ये पॉइंट मिलता हमको, ये हो गया हमारा 3, 1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट है 0, 3 सेकंड इक्वेशन में भी है और ये 3, 1 भी सेकंड इक्वेशन में भी है। इन दोनों ही पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे जी, स्केल रख करके और मिला देंगे। क्या करेंगे, स्केल रख के मिला देंगे। ये ले आया स्केल, इन दो पॉइंट्स पे रखा 0, 3 और 3, 1 पे, है ना, और ऐसे मिला दिया।
ये, इस लाइन पर भी दोनों तरफ हम एरो मार्क लगाएंगे। देखिए जब आप ऐसे खींचते हैं दोनों तरफ, अब जब आप एरो मार्क लगाते हैं तो वही होता है लाइन। जब आप एक तरफ एरो मार्क लगाते हैं, मान ली केवल इधर लगाया या फिर केवल इधर लगाया, इधर नहीं लगाया, तो इसको क्या कहते हैं, रे। और जब आप कहीं भी एरो मार्क नहीं लगाते तो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट। तो हमको क्या खींचने के लिए कहा जा रहा है, क्या बनाने के लिए कहा जा रहा है, लाइन, रे नहीं और लाइन सेगमेंट नहीं, हमको लाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए एरो मार्क देना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही हमने आपको यहां पर दे दिए। इसके बाद है एग्जाम्पल थ्री, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशंस एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। दो रेल्स हैं। रेल कहते हैं वो लोहे की पटरियां जिनके ऊपर ट्रेन दौड़ती है। तो दो रेल्स हैं और दोनों रेल के लिए यहां पर इक्वेशन है। पहली रेल के लिए एक क्वेश्चन है, दूसरी रेल के लिए एक क्वेश्चन है। अब इसे कहा कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन में अलजेब्रिकली दे दिया, हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा। तो इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसका भी ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर फाइंड आउट करते हैं ना हम लोग। एग्जाम्पल थ्री, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए, तो दो पॉइंट निकालेंगे हम लोग। ज्यादा से ज्यादा हम निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम दो पॉइंट तो हमको निकालने ही चाहिए। तो हम फिर से वही से शुरू करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। क्या कहा था मैंने, याद कीजिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इज इक्वल टू को लेफ्ट में छोड़ना है, बाकी हर किसी चीज को राइट हैंड भगा देना है। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हमें इजी लग रहा है इसको रोक लेने के लिए, एक्स को अकेले है, बाकी सबको राइट हैंड भगाए। तो अब देखिए राइट हैंड में पहले से क्या है, जीरो है, ये टू वाई यहां पर प्लस में है, राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस टू वाई, ये फोर यहां पर माइनस में राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, अब जीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा ना, यह है। और फिर उसमें ये प्लस होगा, यानी कि अब हमारा सीधा सीधा बचेगा माइनस टू वाई प्लस फोर, यही बचने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, हम चाहें तो इसको सीधा घुमा कर लिख सकते हैं, फोर माइनस टू वाई लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या कहा था आपको कि जो वेरिएबल राइट हैंड में आया उसके लिए हमको वैल्यू अपनी तरफ से लेना है, कुछ भी ले लेना है अपनी सुविधा के अनुसार। लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अपने आप निकल करके आएगा। तो राइट हैंड में यहाँ पर वेरिएबल वाई है, मैं इसके लिए लेता हूँ जीरो, तो फॉर वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू इंटू वाई की जगह जीरो। कैलकुलेट करें, जीरो इंटू टू क्या होगा, जीरो, और फोर माइनस जीरो फोर, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, फोर। सिमिलरली फॉर वाई इज इक्वल टू, वाई के लिए एक और कोई वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मान लीजिए हम टू ले लेते हैं, तो एक्स कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू इंटू इस y की जगह 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0,
यानी कि अब इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स निकल चुके हैं, एक्स वाई। हमारा एक्स 4 निकला था जब हमने वाई 0 लिया था, और एक्स हमारा 0 निकला था जब हमने वाई 2 लिया था। ये दो पॉइंट्स निकल गए, 4 0 और 0 2। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट सेम लॉजिक यहां लगाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के लेफ्ट में छोड़ेंगे, बाकी हर चीज को इज इक्वल टू के राइट में लेके जाएंगे। चलिए जैसे यहां पर हमने एक्स रोका था, यहां भी एक्स रोक लेते हैं, बाकी हर चीज को राइट हैंड ले जाते हैं। तो ये 2x इज इक्वल टू, ये 12 इधर माइनस इधर जाके 0 में प्लस होकर 12 हो जाएगा ना, यहां पर 4y प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, कल यही एक वेरिएबल चाहिए था हमको, बाकी सब कुछ राइट हैंड बगाना है। तो इधर क्या है, इसमें से और इसमें से हम लोग चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 ले लिया कॉमन, 2 से 12 को डिवाइड कितना आएगा 6, माइनस 2 से 4 को डिवाइड कितना आएगा 2y, अपॉन में ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में था वो यहां करके डिवाइड हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब जो वेरिएबल राइट हैंड में उसके लिए हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल उसका वैल्यू निकल करके आएगा। फॉर वाई इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, एक्स कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, 0 इंटू 2 कितना हो गया 0, 6 माइनस 0 6। सिमिलरली फॉर वाई इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू इस वाई की जगह 2, 2 टू जब 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। इसके लिए भी हमारे पास ये बॉक्स में वैल्यूज हाजिर हो गए एक्स और वाई के। जब हमने यहाँ पर वाई 0 लिया था तो एक्स कितना निकला था 6, और जब हमने यहाँ पर वाई 2 लिया था तो एक्स का वैल्यू कितना निकला था 2। दोनों क्वेश्चन के लिए वैल्यूज निकल गए। अब हम लोग इसके अनुसार ग्राफ बना सकते हैं। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है, 4 0 0 2 को इक्वेशन 1 के लिए और 6 0 2 2 को इक्वेशन 2 के लिए। हमें स्केल लेंगे, ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया और ये स्केल हमने ले लिया। इस पर भाई बात है माइनस में कमी वैल्यूज लेने हैं, ज्यादातर हमको प्लस में ही ले लेने हैं ना, तो हम यहाँ पर मोटी वाली लाइन पर स्केल रख करके एक लाइन हम खींच देंगे पेंसिल की मदद से। मैं तो पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है। उसके बाद सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम लोग, एक मोटी लाइन पर रख करके है ना, और लेफ्ट टू राइट उसके सहारे एक लाइन हम खींच लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है इधर एक्स और इधर हम एक्स डैश, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है इधर वाई और इधर हम लोग वाई डैश लिखते हैं। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करे वो होता है हमारा ओरिजिन, कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में 0। इसके राइट हैंड सारे वैल्यूज ओरिजिन के राइट हैंड में सारे वैल्यूज प्लस में होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख देंगे। लेफ्ट में सारे माइनस में आएंगे, -1 -2 -3। ओरिजिन के ऊपर सारे प्लस में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओरिजिन के नीचे सारे माइनस में आएंगे, -1 -2। ये हो गया। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करें, पहला पॉइंट था 4 0 यानी कि x 4 और y 0, तो वो यही होगा
क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही वाई जीरो होता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया 4 0। दूसरा है 0 2, एक्स जीरो और वाई टू। एक्स जीरो होता है आपको वाई एक्सिस पर और वाई का वैल्यू 2 है, यानी कि वो पॉइंट यहां होगा 0 2। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम मिला देंगे स्केल रख करके। और दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे, यहां पर डाल देंगे इक्वेशन 1 का मार्क, यानी कि इक्वेशन 1 के लिए ये लाइन है, या फिर आप चाहें तो इसके किनारे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन 1 क्या था, एक्स प्लस 2y-4 = 0, ऐसे, या फिर ऐसे मार्क डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने दोनों लिखा आप भी दोनों लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 के पॉइंट्स थे 6 0, एक्स का वैल्यू 6 था और वाई 0 था, यानी कि वो यही पर आएगा, एक्स एक्स पर वाई 0 होता है, तो ये पॉइंट हो गया 6 0। दूसरा पॉइंट है 2 2, यानी कि एक्स का भी वैल्यू 2 और वाई का भी वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 ये रहा, वाई का वैल्यू 2 ये रहा, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी, इस पॉइंट पर, इधर से 2 ये आ रहा है, इधर से 2 ये जा रहा है, यहाँ मिले ना, यही होगा पॉइंट हमारा 2 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे 2 2 को और 6 0 को, ऐसे स्केल रख करके। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। आपके लिए से इक्वेशन मार्क डाल सकते हैं, या फिर इसके सहारे यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 2x + 4y - 12 = 0, या फिर दोनों ही बातें आप लिख सकते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन आ गया। ऐसे ना ट्रेन की पटरी होती है, रेल्स होती है, जिसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, दोनों ही रेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यहाँ भी पैरेलल बनी हुई है। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे है एक्सरसाइज 3.1, तो हम इस पर विचार करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले तुम्हारी जितनी उम्र थी उससे 7 गुने उम्र का मैं था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। और आज से 3 साल बाद तुम्हारी जितनी उम्र होगी उसकी 3 गुनी उम्र मेरी होगी। Isn't this interesting? क्या interesting नहीं है? Represent this situation algebraically and graphically. इस situation को algebraically और graphically दोनों तरह से represent करना है। तो हम करते हैं, Let the present age of father is equal to x years. पिता की उम्र हमने x years मान ली। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर्स, डॉटर के हमने वाई ईयर्स मान लिए, देयरफॉर 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 साल पहले, अगर अभी पिता की उम्र एक्स है, 7 साल पहले एक्स मैंने 7 होगी, और अभी अगर डॉटर की एज वाई है तो 7 साल पहले वाई मैंने 7 होगी। तो 7 साल पहले जो पिता की उम्र थी वो पुत्री की उम्र से 7 गुनी थी। एंड और आज से 3 साल बाद, आज अगर पिता की उम्र एक्स है, फादर की उम्र एक्स है, तो आज से 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी। आज डॉटर की उम्र अगर वाई है, आज से 3 साल बाद वाई प्लस 3 हो जाएगी। और 3 साल बाद ये जो पिता की उम्र है वो इस पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। ये सिचुएशन है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7 वाई प्लस इंटू माइनस 7 7 जा
49. दिस इंप्लाइज दैट x, ये 7y इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 49 है, 7 इधर लेफ्ट में माइनस में इधर आके क्या हो गया प्लस. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 कितना हो गया माइनस 42. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया. अब इससे दिस इंप्लाई दैट एक्स माई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू वाई 3y फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 जा 9. दिस इंप्लाइज दैट एक्स, ये 3y इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये 3 इधर प्लस इधर जाकर के माइनस हो गया. दिस इंप्लाई दैट एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. हमने इस सिचुएशन को, जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया था, उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. हमने इसको जो रिप्रेजेंट किया है वो इस फॉर्म में किया है a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. आप चाहें तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. आप इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इस फॉर्म में करें चाहे इस फॉर्म में करें, अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट हो गया. अब ग्राफिकली करना है तो जिस तरह से हमने ग्राफ बनाया था एग्जाम्पल 2 में और एग्जाम्पल 3 में, उसी तरह से अब यहां से आपको आगे कैरी करके पॉइंट्स निकाल लेने हैं और फिर ग्राफ, उस पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बना देने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 गेंदे खरीदी ₹3,900 में. लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300. बाद में उसने क्या किया, अनदर बैट, एक और बैट खरीदा और 3 और गेंद खरीदे ₹1,300 में. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है. सिमिलरली आपको क्या करना है, लेट करना है. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बैट के लिए कितना हो जाएगा 3x और 6 बॉल के लिए 6y, एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. एंड 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. अलजेब्रिकली हो गया और फिर इसको पॉइंट्स निकाल के आपको ग्राफ बना देने हैं. थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत ₹160 थी. आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह. आप लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप दो इक्वेशन बनाएंगे, वो दोनों अलजेब्रिक हो जाएगा. फिर उससे आप पॉइंट्स निकाल करके ग्राफ बनाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकली हो जाएगा. ग्राफिकली बोले या ज्योमेट्रिकली बोले, दोनों का अर्थ है कि आपको ग्राफ बनाना है. तो आप यहां तक खूब अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करें. चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया और शुरू में ग्राफ को बड़े आराम से धीरे धीरे टाइम लेते हुए आपको समझाया है, तो इतना आप खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें. इसके बाद की कहानी ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे.
और तब हमारी स्पीड कुछ फास्ट होगी। अभी आप कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें। थैंक यू।